हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं क्लास सेवन का चैप्टर सिक्स का वर्कशीट फोर का दोस्तों मैं इसमें फर्स्ट पार्ट बता चुके हैं। आज टू नंबर का यहाँ जैसे लिख के रखे हैं, टू नंबर का टू से बताएंगे। इसका एक क्वेश्चन बता चुके हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना इसमें सिंपलीफाई द फॉलोइंग वेरीफाई द रिजल्ट, वेरीफाई करना बहुत लंबा क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे एक बता चुके हैं यहाँ तक, तो ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। अगर आप नहीं देखें फर्स्ट पार्ट तो देख सकते हैं, पहले आप इसको देख लीजिए। अभी तो यहाँ पर पढ़ देते हैं, सिंपलीफाई द फॉलोइंग एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर द गिवन वैल्यू। यहाँ ये समझिए, ये सिर्फ अभी क्या किए हैं, क्वेश्चन लिखे हैं, है ना। अभी कुछ किए नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन लिखे हैं। तो जब भी रिजल्ट को वेरीफाई करना था, एक बार इसका वैल्यू क्वेश्चन में ही भरना पड़ता है, एक बार आंसर में भरना पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन में भरते हैं। एक्स इक्वल टू वन है, वाई इक्वल टू वन है और जेड इक्वल टू माइनस वन है। सो तो सेवन एक्स की जगह वन का स्क्वायर, वाई वाई की जगह वन माइनस थ्री, जेड की जगह माइनस वन का हो जाएगा स्क्वायर। और यहाँ ब्रैकेट था तो ब्रैकेट लगा देते हैं, अभी बिग ब्रैकेट। ब्रैकेट में कोई दिक्कत नहीं कि इसमें ब्रैकेट था, बिग ब्रैकेट लेंगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स की जगह वन, y के जगह 1 और z के जगह माइनस वन। तो माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा, यहाँ 1 हो गया। इधर समझ लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 7 वन जा 7 इंटू वन, यहाँ 7 ही रह जाएगा। माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और 3 का 3। और इधर था कितना 1, तो 7 में 3 सब 4, 4 वन जा 4, तो ये हमारा आंसर 4 हो जाएगा। अभी 4 आया, आंसर नहीं हुआ है, अभी 4 आया। अभी फिर आप इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो इसको जैसे इसमें तीन टर्म है, इसमें दो टर्म है, तो इसको दो बार लिख लेते हैं। तो 7 एक्स स्क्वायर वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे है माइनस 3 जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एक्स स्क्वायर और x करेंगे तो x पर पावर 3 वाई का वाई प्लस 7 का 7 एक्स स्क्वायर और y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस 7 एक्स स्क्वायर है y है और z, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस 3, यहाँ पे जेड स्क्वायर एक्स है, एक्स उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, एक्स जेड स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 3 वाई जेड स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 3 जेड स्क्वायर और जेड, तो जेड पर पावर 3 हो जाएगा। अब इसमें देखिए लाइक टर्म कोई है तो जुड़ जाएगा, नहीं तो यही सही रह जाएगा। तो हमारा इसमें तो कोई लाइक टर्म नहीं दिख रहा, इसका मतलब कोई भी लाइक टर्म नहीं है। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर वाई जेड है, यहाँ जेड स्क्वायर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्योंकि रिजल्ट वेरीफाई करना है तो ये सब वैल्यू फिर यहाँ भरना पड़ेगा। तो चलिए भरते हैं, हमारा आंसर यही है, आंसर यही दिखेगा, लेकिन रिजल्ट को हमको क्या करना, वेरीफाई करना है। तो चलो इसको फिर से भरते हैं। 7 एक्स की जगह क्या भरेंगे, 1, तो 1 का क्यूब, वाई की जगह 1 है प्लस 7 फिर एक्स के स्क्वायर, तो वाई 1 का स्क्वायर और वाई के जगह 1 का फिर स्क्वायर प्लस फिर है 7 एक्स के जगह 1 का स्क्वायर, वाई के जगह 1 और जेड के जगह क्या है माइनस 1 है। यहाँ तक हो गया माइनस 3 एक्स के जगह 1 वाई के जगह सॉरी जेड के जगह माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 वाई के जगह 1 और जेड के जगह माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 जेड के जगह माइनस 1 पर पावर 3। इतना समझ में बहुत लंबा चल रहा है। तो यहाँ देखिए 7 1 का कितना पावर करेंगे, 1 ही रह जाएगा इंटू 1 है। 7 1 का कितना पावर करेंगे, 1 रह जाएगा इंटू 1। 7 इंटू 1 इंटू 1 इंटू माइनस 1, माइनस में ब्रैकेट लगा दिया, माइनस है अभी 3 इंटू 1 माइनस का पावर 1 माइनस, देखिए माइनस का पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा 3 इंटू 1 और फिर यहाँ माइनस का पावर इवन है प्लस 3 माइनस का पावर ओड है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। समझ में आया? तो
तो सेवन वन जा सेवन हो जाएगा, यहाँ भी सेवन वन जा सेवन, यहाँ भी सेवन वन जा सेवन होगा, लेकिन प्लस इंटू माइनस यह माइनस हो जाएगा। अगला समझते हैं, माइनस है तो यहाँ थ्री वन जा थ्री, और यहाँ फिर माइनस थ्री वन जा थ्री, यहाँ भी माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री, प्लस थ्री माइनस थ्री कट जाएगा, माइनस सेवन प्लस सेवन कट जाएगा। देखिए सेवन है, अब ये बचा ना, सेवन माइनस थ्री ये बचा और ये बचा, तो सेवन है थ्री जाना है तो हमारा फोर आएगा। यहाँ भी देखिए फोर आया था और यहाँ भी फोर, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। बोलो ना, इसमें लंबा लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो छोटके है लेकिन मैं वेरीफाई करना है ना, तो वो लंबा चल रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं, वेरीफाई नहीं करेंगे अब, सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताते हैं, वेरीफाई करना है ऐसे ही, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। फोर एक्स पर स्क्वायर माइनस सिक्स ए बी प्लस नाइन बी स्क्वायर, उसके बाद है टू ए प्लस थ्री बी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले लिख लेते हैं टू ए फोर ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए बी प्लस नाइन बी स्क्वायर, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिए हैं, और प्लस थ्री बी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए बी प्लस नाइन बी स्क्वायर। तो इसको देखिए फोर टू जा एट ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए पर पावर थ्री माइनस छः दुनी बारह ए ए ए स्क्वायर बी प्लस नौ दुनी अठारह एट्टीन ए और बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर, उसको चार थिया बारह, यहाँ बी और ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर भी उल्टा करके लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस इंटू माइनस माइनस छः थिया अठारह, और यहाँ हो जाएगा बी इंटू बी बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस नौ थिया सत्ताईस बी इंटू बी बी पर पावर थ्री। अब यहाँ देखिए प्लस एट प्लस एटीन ए बी स्क्वायर प्लस एटीन माइनस एटीन, ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस है या प्लस ट्वेल्व सेम टू सेम टर्म, तो बचेगा ए एट ए क्यू माइनस सॉरी प्लस ट्वेंटी सेवन बी क्यू, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो वेरीफाई करेंगे एक बार, क्वेश्चन में वही चीज़ भरेंगे, यहाँ दिया है ए बराबर टू बी बराबर वन, और एक बार आंसर में भरेंगे आपको सेम टू सेम आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अभी थ्री बनाए हैं फोर बनाते हैं, तो करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एम क्वेश्चन अभी नहीं लिख रहे हैं, सीधा क्वेश्चन सिर्फ लिखिएगा, एक स्टेप छोड़ रहे हैं, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एम इंटू इतना सेम टू सेम लिख देते हैं ट्वेंटी फाइव, और माइनस फाइव से फिर करेंगे तो माइनस फाइव इंटू एम स्क्वायर माइनस टेन एम प्लस ट्वेंटी फाइव, तो एम पर पावर वन है, एम पर पावर टू, तो एम पर पावर थ्री प्लस इंटू माइनस माइनस टेन एम इंटू एम एम स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव इंटू एम, तो ट्वेंटी फाइव एम माइनस एम स्क्वायर इंटू फाइव, तो फाइव एम स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस टेन फाइव जो फिफ्टी फिफ्टी एम माइनस पच्चीस पचास एक सौ पच्चीस ट्वेंटी फाइव, और प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। तो यहाँ देखिए ये दोनों सेम टर्म है और ये भी सेम टर्म है, जैसे जुटेगा घटेगा जो भी होगा, एम पर पावर थ्री टेन एम स्क्वायर देना है और फाइव फाइव एम स्क्वायर ये भी देना है, तो हमको फिफ्टीन एम स्क्वायर हो जाएगा, वो भी माइनस में ट्वेंटी फाइव हैं और फिफ्टी हैं, इसका मतलब सेवेंटी फाइव हैं, उसके बाद है कितना माइनस 125, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब वेरीफाई करने के लिए बताएं आपको क्वेश्चन में एक बार भरना है, एक बार आंसर में भरना है। अब बता रहे हैं फाइव नंबर, फाइव नंबर में है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो एक बार पी क्यू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस क्यू आर पी स्क्वायर की स्क्वायर आर स्क्वायर, इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी पर पावर थ्री हो जाएगा,
क्यू प्लस पी क्यू वन और क्यू टू, तो क्यू पर पावर थ्री प्लस पी क्यू और आर स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए पी स्क्वायर क्यू आर है प्लस क्यू पर पावर वन क्यू पर पावर टू, तो क्यू पर पावर थ्री आर प्लस क्यू आर और आर स्क्वायर क्यू आर पर पावर थ्री। तो इसमें देखते हैं लाइक टर्म अगर है तो जुटेगा, नहीं तो फिर यही सर आ जाएगा। तो देखिए ये वाला टर्म कहीं नहीं मिल रहा क्योंकि पी पर पावर थ्री है, तो थ्री पी पर पावर थ्री कहीं नहीं है, क्यू क्यू पर पी क्यू पर पावर थ्री, क्यू पर पावर थ्री तो है लेकिन यहाँ आर है, इसमें भी अलग अलग टर्म है, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा आंसर में इधर वाला टर्म यहाँ मिलेगा, इधर वाला टर्म वहाँ मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, वो वाला मैटर नहीं, उस ऐसा गलत नहीं होता। अब आते हैं कौन बचा, फाइव सिक्स बचा है। तो समझते हैं सिक्स को, फाइव बाई फोर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव बाई फोर एक्स स्क्वायर और एक्स एक्स पर पावर थ्री हो जाएगा प्लस फिर फाइव बाई फोर एक्स स्क्वायर वाई प्लस फाइव बाई फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस थ्री बाई टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई ये दोनों सेम टर्म आया, इसमें अभी जुटेगा घटेगा उसमें था ही नहीं कुछ, माइनस इंटू प्लस माइनस थ्री बाई टू एक्स वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री बाई टू एक्स वाई पर पावर थ्री। तो सिर्फ हमारा सेम टर्म कौन दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, बाकी अलग टर्म है क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है और यहाँ वाई पर पावर थ्री, अलग अलग टर्म, तो बाकी सेम रह जाएगा, सिर्फ ये दोनों जुड़ जाएगा, मैं इसको दोनों जोड़ देते हैं, बाकी सेम टू सेम टर्म रह जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना है, फाइव बाई फोर कॉन्स्टेंट अभी खाली लिखते हैं, वेरिएबल नहीं लिख लेते हैं, और यहाँ माइनस ये दोनों सेम है ना थ्री बाय टू, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, फोर ही हो जाएगा, फाइव और माइनस थ्री, तो फाइव में थ्री सब्ट्रैक्ट करेंगे टू, टू में फोर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो है ना वन बाई टू बचेगा, तो वन बाई टू हो जाएगा खाली, यहाँ हो जाएगा तो फाइव बाई फोर एक्स पर पावर थ्री, उसके बाद है प्लस बचा है, प्लस क्या बचा है वन बाय टू, तो ये एसी को लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई, ये ख़त्म, उसके बाद फिर प्लस फोर फाइव बाई फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये ख़त्म, उसके बाद ये तो इतना तो कलेक्ट कर लिए थे, उसके बाद ये बचा है माइनस थ्री बाय टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री बाय टू एक्स वाई पर पावर थ्री, तो ये आंसर हो गया। अगला चलते हैं, तो यहाँ से नीचे यहाँ तक है दोस्तों आंसर, हाँ एक चीज़ में मिस किए हैं, यहाँ देखिए फिर से बता रहा हूँ, फाइव बाई फोर यहाँ लिख लिए हैं और इसका यहाँ फिर से करते हैं, जैसे फाइव बाई फोर और इसमें माइनस करना था हमको थ्री बाई टू क्योंकि ये लाइक टर्म था ना, माइनस थ्री बाई टू, तो एलसीएम हमको फोर तो आएगा, फोर वन जा फोर तो फाइव वन जा फाइव, टू टू जा फोर, टू बार पढ़ना पड़ा तो थ्री टू जा सिक्स माइनस सिक्स, तो देखिए फाइव है सिक्स देना है तो माइनस वन बचेगा वन बाई फोर, इसका मतलब यहाँ टू बाई फोर जो लिखा है ना तो वहाँ टू बाई फोर नहीं वहाँ माइनस वन बाई फोर होगा, यहाँ मिस है वन बाय फोर होगा है ना, अब आंसर मिल गया होगा तो माइनस वन बाई फोर होगा। अच्छा इस वाला टर्म उधर उस वाला टर्म उधर उसमें कोई गलत नहीं होता, वो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो चलते हैं मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।